डॉक्टर पुष्पेंद्र फैन क्लब के द्वारा युवा कांग्रेस के साथ मिलकर कबीर जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई। कबीर भवन में आयोजित कार्यक्रम पर डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा, अशोक कवि, ब्लॉक युवा कांग्रेस अध्यक्ष अश्विनी कुमार, बीडीसी हमीरपुर समिति के उपाध्यक्ष संजीव शर्मा, युवा कांग्रेस के संजीव कांगो उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉक्टर पुष्पेंद्र ने कहा कि कबीर के दोहे तो सदैव ही हमारी पीढ़ी ने पढ़े हैं, नहीं तो हमारे से पहली वाली पीढ़ी ने हमेशा उनके मार्गदर्शन दिया है और साथ में इस वर्तमान समय में भी उनके दोहे आज की परिस्थितियों को बिल्कुल सार्थक और मार्गदर्शक प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि संत कबीर ने बताया था कि कोई भी जाति विशेष से ऊंचा या नीचा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कबीर के दोहे आज सार्थक रूप ले रहे हैं और ये बताते हैं कि जो विद्या रूपी धन है वो यही बताता है कि कौन विद्वान है, कौन बुद्धिमान है, बाकी जगत पात, अमीर गरीबी, ये सब कुछ तुच्छ और मिथ्या चीजें हैं। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने आह्वान किया कि हमें ऐसे महान हस्तियों के बारे में अपनी आने वाली पीढ़ियों और बच्चों को बताते रहना चाहिए और उनके आदर्शों पर चलने के प्रति प्रेरित करना चाहिए ताकि अच्छे एवं एक सम्मान समाज का विकास हो सके और जिसमें लोग किसी को भी बड़ा या छोटा ना समझें। आज हमने डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा फैन क्लब की तरफ से यहाँ पे कबीर जयंती के दिन यहाँ कबीर भवन जो इतना सुंदर और रमणीक स्थल में बना हुआ है, यहाँ से धौलाधार की वादियाँ बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं और बहुत ही शांति देने वाला स्थान है। जैसा कि कबीर जी के दोहे थे, शांति देते थे, मन को एक अस्थिरता देते थे, वैसी ही एक शांति इस भवन में आके मिलती है। तो आज उनकी जयंती पे हमने यहाँ उनकी जयंती को सब ने मिल के मनाया है और कबीर जी के दोहे पढ़ पढ़ के हम थोड़ा बहुत विद्वान बनने की हमने जो कोशिश करी है वो उस तरफ हम चाहते हैं कि इस समय जो समाज में जो कबीर के दोहे उस समय इतने सैकड़ों साल पहले जो उन्होंने कहे थे आज वो बिल्कुल सार्थक सिद्ध हो रहे हैं और अभी भी हमें उनका दोहा याद आता है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो ही सुपंडित होए। तो विद्या जो है वो आदमी को बुद्धिमान विद्वान बनाती है। विद्या है जो एक धन है, ये हमें कबीर जी ने उस समय बताया। तो कबीर जी हमारे ना केवल इस समाज के संत हैं बल्कि इस समय इस काल में भी वो मार्गदर्शक बने हुए हैं सभी युवाओं के और सारी जनता के। तो उनको इस उनकी जयंती पे सत सत नमन।